आज जो है बहुत सारी राउंड लगाई हूँ मैंने मशीन की। मेरे पास 3 स्टैंड है, वो भी फुल है, एक वहाँ फुल है, यहाँ यहाँ ये वाला खाली है। और ये स्टैंड भी मैंने जल्दी ली हूँ। ये स्टैंड जो है ना ऐसे पतला लंबा वाला जो है इस टाइप के बच्चों के कपड़े डालने के लिए ज़्यादा सही रहता है क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन आज जो है इसमें मैं चादर ही डाल देती हूँ। आज फलक को है ना ऑनलाइन स्कूलिंग में ना आर्ट पीरियड में आउट ऑफ वेस्ट कुछ करके दिखाना था, तो फिर जो है फलक ने कॉटन के दुपट्टे से जो अब यूज़ नहीं करते हैं उसने बांधनी की प्रिंट बना के बताई थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन पहले जो है मैं चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फलक ने किस तरह से बनाया था आउट ऑफ वेस्ट। तो मैं आ गई हूँ किचन में बिरयानी बनाने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको मैरिनेट कैसे करती हूँ। तो ये मैं डालती हूँ अदरक और ये लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नेक्स्ट रेड चिली पाउडर, जो टेस्ट है जितना तीखा चाहिए वो उतना हिसाब से आप डालिए, देन जीरा पाउडर, देन गरम मसाला पाउडर और ये धनिया पाउडर, ठीक है। तो जितना भी मसाला है ना मैं पहले ही डाल के मैरिनेट करके रख देती हूँ और बाद में फिर अच्छा एकदम चिकन में वो भिन जाता है एकदम से। नमक डालना है, नमक तो बाद में भी चख लेंगे। और ये देखिए ये सिंधी बिरयानी का मसाला देख रहे हैं शान का, ये वाला मैं डालती हूँ। बॉम्बे बिरयानी का भी यूज़ करती हूँ कभी कभी और कभी कभी सिंधी बिरयानी वाला, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। वैसे बॉम्बे बिरयानी का भी बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर ऐसे गोल गोल टमाटर काट के पड़ता है उसका जो है ना डिफरेंट होता है उसका भी। तो किसी दिन जब वो बनाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे उसमें पड़ता है। लेकिन पूरा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। और नमक भी ना इस पैकेट में बहुत होता है तो नमक भी कम डालिएगा, वो तो बस खुशबू के लिए मैं उसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये दही है, दही डाल देती हूँ। तो चिकन जो है ना मेरा 1 किलो के करीब है, तो मैं इसमें जो है अच्छे से दही ले लूँगी, इतनी गिर रही है, इतनी दही ले ली। और दही लेने के बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके फिर बस अब तो जो है ये 2 घंटा मैरिनेट होगा। और उसके बाद मैं जब तक प्याज व्याज काट के सब रेडी करके रखूँगी, जब आपका सामान रेडी होता है तो खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। तो ये चला गया इसके अंदर चिकन और ये मैरिनेट हो गया है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कॉटन के दुपट्टे पे बांधनी प्रिंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सोची क्यों ना यहाँ बाहर बैठ के बनाऊँ तो ज़रा मूड भी एकदम फ्रेश रहेगा ना, वैसे भी धीरे धीरे करके मौसम अब अच्छा हो रहा है तो मैं सोची बाहर ठंडी ठंडी हवा लेते हुए बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले ना ये क्लॉथ लेना है, तो मैंने तो ये रीयूजेबल वाइट क्लॉथ ली हूँ, मतलब कि ये दुपट्टा था कॉटन का, क्योंकि ये आउट ऑफ वेस्ट कुछ करके दिखाना था फलक को। तो फिर जो है मैंने जो है बुर्ज खलीफा बुर्ज अल अरब इतनी ग्रेट नहीं हूँ मैं कि मैं ये सब बनाऊँ, तो मैंने जो है जो मेरे पास हैंडी था जो इजीली रीचेबल था मेरे पास घर में जो था अवेलेबल उनसे मैंने ये बनाई हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कॉटन के दुपट्टे थे उसको हम लोगों ने स्क्वायर काट लिया था। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों ने कोई भी ये चने की दाल ले लीजिए, ये दिख रहे हैं चने की दाल, अगर चने की दाल नहीं है तो कोई भी दाल ले सकते हैं आप, और फिर वो ब्राउन चना आता है ना वो ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक। लेंगे चने की दाल एक और फिर इसको जो है इस तरह रखेंगे यहाँ पे बीच में, ठीक है। और उसके बाद इसको टर्न करिए और फिर इसको जो है ना थोड़ा सा 1-2 राउंड करके और फिर अच्छी तरह से टाइट लपेट के गांठ मार देंगे। ये देखिए हो गया ना, तो ये हो गया, ये हम लोग ने इस तरह इसको बांधा है। तो इसी तरह सेम मैं यहाँ 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 सब जगह करूँगी, मुझे जितनी बांधने की प्रिंट चाहिए ना मैं उतना यहाँ पे करूँगी। अब फिर दिखाऊँगी आप लोगों को, जब तक आप लोग बाहर का सीन एंजॉय करिए।
तो देखिए ये वाला बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने इस तरह बांध दी हूँ इसको। अब हम लोग ये वाला करते हैं। इसकी डिज़ाइन में क्या करूँगी ना, इसको फ़ैन की तरह जो है ना हम लोग को फोल्ड करना है, फ़ैन की तरह। ये देखिए इस तरह फोल्ड करिए, एक बार इस तरफ, फिर एक बार इस तरफ, तो अब हम लोग है ना पानी ले लेंगे, नॉर्मल वाटर ले लेंगे और उसके अंदर जो है वो डाल देंगे कपड़ा। फलक डाल दो उसके अंदर जो है ये फलक, ये जो प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बैठी है ना, ये कपड़ा डाल देगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक बर्तन में हल्दी डाल देंगे और उसके बाद जो है उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी बॉईल हो गया, अब हम लोग जो है वो कपड़ा इसके अंदर डाल देंगे, 10 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको ठंडे पानी में एक स्पून से निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग अच्छे पानी से वॉश करके फिर इसका धागा काट लेंगे। अब जो है हम लोग इसको हेयर ड्रायर से सुखा देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है इतना कि मैं उसको जो है धूप में सुखाऊँ, इसलिए जल्दी से मैं हेयर ड्रायर से फटाफट सुखा के आपको दिखाती हूँ। और फिर वो जो दूसरा वाला डिज़ाइन था ना जिसको हम लोग फ़ैन की तरह फ़ोल्ड किए थे, उसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। और ये खोल के इस तरह लगता है देखिए। तो ये देखिए हमारा दोनों बांधनी का टाई एंड डाई का पीस तैयार है। ये देखिए एक डिज़ाइन ये है और एक डिज़ाइन ये है। आधे मीटर का कपड़ा लेके छोटे बच्चों का दुपट्टा इजीली हम लोग टाई एंड डाई के डिज़ाइन से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ किचन में अपनी चिकन बिरयानी कंप्लीट करने के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो पैन में डाल दी हूँ तेल और तेल हो गया है गरम, उसमें डाल दी हूँ गरम मसाला और ज़ीरा, और अब है प्याज की बारी। सारी प्याज डाल के और तब उसको हम लोग ब्राउन कर देंगे। और प्याज हो गई है और अब प्याज के बाद हम लोग डालते हैं टोमेटो। तो अब हम लोग ये चिकन जो मैरिनेट किए थे वो और आलू इसके साथ वो डालेंगे।